हेलो स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली बायोलॉजी क्लास में बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषी वर्णक की बात कर रहे थे, तो आज हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी अभिक्रिया के माध्यम से देखेंगे। CO2 प्लस H2 इक्वल टू C6 H12 O6 प्लस H2 प्लस O2 संतुलित कर लेते हैं। 6 12 H2 6 H2 6 O2 यानी प्रकाश की उपस्थिति में होगी, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि की यदि बात करें तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर सबसे पहले क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है तथा जल का क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन होता है। जल का अपघटन होगा ½ O2 प्लस OH+ इलेक्ट्रॉन, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये प्रकाश की उपस्थिति में होगी या 2H2 इक्वल टू O2 प्लस 4H+ प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में जल का अपघटन होगा जिससे ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन जब एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाते हैं, या आप आगे इनके चरणों में देखेंगे, जब एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है, और उस ऊर्जा का संचय होगा जो ATP व NADPH2 NADPH2 के रूप में होता है, और इसी ATP व NADPH2 का उपयोग होता है CO2 के अपचयन में होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर CO2 का अपचयन होता है तथा जल का ऑक्सीकरण होता है, अतः इसे ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया भी कहते हैं। अतः इसे ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया भी कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि के अंदर आप देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होंगी तथा इसमें इसका महत्व क्या है, इसकी बात भी करेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि दो प्रकार से होगी, एक होगी अप्रकाशिक अभिक्रिया
प्रकाशिक अभिक्रिया, नंबर दो हुआ अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होगी अर्थात हरित लौह के ग्रेना भाग में संपन्न होगी, हरित लौह के ग्रेना भाग में संपन्न होगी। और इसका ताप गुणांक का मान कितना होता है? एक होता है। और इसी के अंदर एक प्रकार से स्वांगीकरण शक्ति का क्या होता है? निर्माण होता है, अर्थात इसमें एटीपी व एनएडीपीएटू का क्या होगा? निर्माण होगा। अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी जो एक प्रकार से प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं है और ये हरित लौह के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होगी। और इसका ताप गुणांक का मान होता है जो कितना होता है? दो या कितना होता है? तीन होता है। अर्थात प्रकाशिक अभिक्रिया में बने एटीपी व एनएडीपीएच2 का उपयोग अप्रकाशिक अभिक्रिया में होगा जिससे CO2 के अपचयन से क्या बनेगी? शर्करा का क्या होगा? निर्माण होगा। ध्यान रखें, शर्करा का क्या होगा? निर्माण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर एक प्रकाशिक अभिक्रिया और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया की। प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है? प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है? प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की पर अभिक्रिया देख रहे हैं। यह अभिक्रिया जो पूरी होगी एक प्रकाशिक अभिक्रिया होगी और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम प्रकाशिक अभिक्रिया की बात करेंगे। यह है प्रकाश की उपस्थिति में होगी, यह है प्रकाश की उपस्थिति में होगी तथा हरित लौह के ग्रेना भाग में क्या होगी? संपन्न होगी। इसे हिल अभिक्रिया भी बोलते हैं, वैज्ञानिक हिल थे तो ही अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अर्थात इसके अंदर यह निम्न चरणों में पूरी होगी। नंबर एक, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण व क्लोरोफिल का उत्तेजित होना। क्लोरोफिल का उत्तेजित होना इस चरण में सबसे पहले क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या किया जाएगा? क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है अर्थात फोटॉन के रूप में। तो क्या होगा? क्लोरोफिल अणु क्या होगा? उत्तेजित होगा। अर्थात क्लोरोफिल कैसा होगा? सक्रिय होगा। ये सामान्य है और ये फोटॉन यानी प्रकाश। ध्यान रखें कि प्रकाशिक अभिक्रिया में पहला चरण होगा प्रकाश ऊर्जा का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है वह क्लोरोफिल का उत्तेजित होना। कि क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है और उसके बाद में क्लोरोफिल क्या होगा? सक्रिय होगा। नंबर दो, जल का प्रकाशिक अवगढ़। जल का प्रकाशिक अवगढ़, जल का प्रकाशिक अवगढ़ होगा H2 2+ 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन। इस क्रिया के अंदर एक प्रकार से जल का प्रकाशिक अवगढ़ होगा जिससे ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है
हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यानी एक प्रकार से मैग्नीज या क्लोरीन आयन की उपस्थिति में जल का क्या होगा, प्रकाशीय अपघटन होगा। याद रखें कि मैग्नीज और क्लोरीन एक प्रकार से जल के प्रकाशीय अपघटन में भूमिका निभाते हैं, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2H2O2+4H+4 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से यहाँ जल के कितने अणु होंगे, दो। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो पहला होगा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण व क्लोरोफिल का उत्तेजित होना, दूसरा होगा जल का प्रकाशीय अपघटन। उसके बाद में नंबर तीन होगा NADPH2 का निर्माण, NADPH2 का निर्माण। प्रकाशिक अपघटन में जो तीसरा पद होगा NADPH2 का निर्माण। जल के प्रकाशिक अपघटन से मुक्त H+ आयन होते हैं जो NADP के साथ जाकर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जो आप फास्फोरिलेशन क्रिया में देखेंगे, जिससे NADP का क्या होगा, अपचयन होगा, जिससे क्या बनेगा, NADPH2 का क्या होगा, निर्माण होगा। और इसी NADPH2 का उपयोग होगा जो CO2 के अपचयन में किया जाएगा। नंबर चार होता है फास्फोरिलेशन क्या है। फास्फोरिलेशन की यदि बात करें, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश की उपस्थिति में ADP से ATP निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, फास्फोरिलेशन कहते हैं। अर्थात इसके कुछ बिंदु हम समझ सकते हैं, रेड ड्रॉप क्या है, या जिसे लाल पतन बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में रेड ड्रॉप क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जब 680 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अर्थात यह कमी होती है जो एक प्रकार से लाल क्षेत्र से संबंधित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, रेड ड्रॉप या लाल पतन कहा जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यदि 680 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, तो एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और यह कमी लाल क्षेत्र से संबंधित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, रेड ड्रॉप कहा जाता है। यदि बात करें कि दो मिश्रित प्रकाश लेते हैं, एक 680 nm से कम वाला लेंगे और एक इससे क्या लेंगे, ज्यादा वाला लेंगे, यानी एक प्रकार से मिश्रित प्रकाश प्रयुक्त करते हैं, मिश्रित प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है, तो एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की दर होती है दो अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाले 680 से कम वाले में और ज्यादा वाले में, उनसे उनके योग से क्या होता है, अधिक होता है, इसे कहा जाता है एक प्रकार से इमर्शन प्रभाव बोलते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इमर्शन प्रभाव कहते हैं। तो ये था प्रकाशिक अभिक्रिया के कुछ बिंदु। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में आपको बताया गया कि पहला प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण में क्लोरोफिल का उत्तेजित होना, नंबर दो था जल का प्रकाशिक अपघटन, और नंबर तीन था NADPH2 का निर्माण, और नंबर चार था फास्फोरिलेशन। और फास्फोरिलेशन के बाद में आपको बताएगा रेड ड्रॉप क्या है और इमर्शन प्रभाव क्या है। तो ये था अपना प्रकाशिक अभिक्रिया। अब प्रकाशिक अभिक्रिया संबंधित आगे बिंदु चलेगा जिसकी हम बात करेंगे, जैसे पिगमेंट सिस्टम है, ये अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।